बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में लुढ़कना और सरकना भाग 2, कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएं भाग 2 व 3, कक्षा 4 में पर्यावरण ईवीएस विषय में कैसे जानूं मैं भाग 2, व कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय में लेट्स लर्न प्राणायाम। लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने और सरकने के बीच अंतर तथा लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू और पिंकी आज स्कूल से घर आकर कैरम खेल रहे हैं। पिंकी, तुम्हें याद है हमें स्कूल से लुढ़कने या सरकने वाली वस्तुओं की सूची बनाने को कहा गया है। हाँ छोटू, मुझे याद है। इस खेल के बाद हम सूची बना लेते हैं। लेकिन छोटू, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी सरकती है? वो तो सोचना पड़ेगा, पर पहले ये देखो, मैंने रानी को गड्ढे में डाल दिया। अरे छोटू, ये गोटियाँ तो सरक कर गड्ढे में जा रही हैं। अरे वाह, हमें मिल गया एक उदाहरण। चलो पिंकी, ऐसे ही और भी चीजों को धकेल कर देखते हैं। पिंकी और छोटू ने घर में से कुछ चीजें इकट्ठा कर ली। छोटू, अब हम इन्हें कैरम बोर्ड पर धकेल कर देखते हैं। पर पिंकी, ये कैरम बोर्ड तो बहुत छोटा है, इस पर तो ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, तो इस पर कैसे चीजें रखेंगे? तो हम फर्श पर सभी को धकेल कर देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं लुढ़क रही हैं और कौन सी वस्तुएं सरक रही हैं। छोटू और पिंकी ने एक एक करके वस्तु को फर्श पर धकेलना शुरू कर दिया। चलो पहले पानी की बोतल को धकेलते हैं। ये तो लुढ़क रही है। अब ये कॉपी धकेल कर देखते हैं। ये तो सरक रही है। अब पेंसिल की बारी। और ये लुढ़क लुढ़क कर जा रही है। अब शार्पनर को धकेलते हैं। ये सरक रहा है। छोटू, जितनी भी चीजों की सतह गोलाकार है वो लुढ़क रही है, और जिन चीजों की सतह गोलाकार नहीं है वो सरक रही है। हाँ पिंकी, तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि ये बेलन सरकेगा या लुढ़केगा? आपने सही कहा बच्चों, इस बेलन की सतह गोलाकार है तो यह बेलन लुढ़केगा, और ये पेंसिल का डिब्बा सरकेगा या लुढ़केगा?
इस पेंसिल के डिब्बे की सतह गोलाकार नहीं है तो यह पेंसिल का डिब्बा सरकेगा। तो बच्चों आपने देखा, जिन चीजों की सतह गोलाकार होती है वो फर्श पर लुढ़कती रोल करती हैं, और जिनकी सतह गोलाकार नहीं होती है वो फर्श पर सरकती स्लाइड करती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचाना। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएं भाग 2 और 3। बच्चों इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाते क्रम सूचक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखो बबली, कुछ रंग दिए गए हैं। इसमें हरा रंग कौन से स्थान पर है? ये बहुत आसान है। 1, 2, 3, यहाँ हरा रंग 3 नंबर पर है। देखो बबली, हमें यहाँ रंगों की गिनती नहीं करनी है। यहाँ हमें कौन सा रंग किस स्थान पर है वो बताना है। इसलिए पहले स्थान पर लाल रंग, दूसरे स्थान पर पीला रंग, तीसरे स्थान पर हरा रंग और चौथे स्थान पर बैंगनी रंग है। यानी यहाँ हरा रंग कौन से स्थान पर है वो बताने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ बबली। बनी और पूछो ना, मजा आ रहा है। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो बबली, इनमें कुछ सब्जियां रखी है। इसमें चौथे स्थान पर कौन सी सब्जी है? यहाँ सबसे पहले पत्ता गोभी, दूसरे स्थान पर टमाटर, तीसरे स्थान पर कद्दू और ये चौथे स्थान पर बैंगन है। हाँ, पर हमें अक्सर वस्तु के क्रम को लेफ्ट से गिनना चाहिए। तो फिर ये पहले स्थान पर शिमला मिर्च, दूसरे स्थान पर बैंगन, तीसरे स्थान पर कद्दू और चौथे स्थान पर टमाटर है। हाँ, अब सही बताया। चलो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखो बबली, यहाँ कुछ फल दिए गए हैं। क्या तुम बता सकती हो यहाँ कुल कितने फल हैं? देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब यहाँ कुल 6 फल है। शाबाश बबली। अब ये बताओ कि सबसे अंत में कौन सा फल है? ये बहुत आसान है। देखो बनी, हमें फलों के क्रम को लेफ्ट से गिनना है। पहले स्थान पर चेरी, दूसरे स्थान पर केला, तीसरे स्थान पर आम, चौथे स्थान पर स्ट्रॉबेरी, पांचवें स्थान पर अमरूद और सबसे अंत में छठे स्थान पर संतरा है। बबली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ कि अमरूद से पहले कितने फल है? मुझे यहाँ अमरूद से पहले कितने फल है उसकी संख्या बतानी है। तो फिर अमरूद से पहले 1, 2, 3 और ये 4 फल है। शाबाश बबली। धन्यवाद बनी इतना सिखाने के लिए। ठीक है बबली, अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। बच्चों आज हमने इन उदाहरणों के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाती क्रम सूचक संख्याएं समझी। बच्चों आज हम क्रम सूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स पर आधारित उदाहरण देखेंगे। बबली, यहाँ पीला क्रेयॉन कौन से स्थान पर है? देखो बनी, 1, 2, 3,
यहाँ पीला क्रेयोन 3 नंबर के स्थान पर है। देखो बुबली, यहाँ कुल 6 क्रेयोन है। जब हमें किसी वस्तु का स्थान जानना हो तब उनकी गिनती नहीं करनी है। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो समझाता हूँ। देखो यहाँ लाल क्रेयोन पहले स्थान पर है, नीला क्रेयोन दूसरे स्थान पर है, पीला क्रेयोन तीसरे स्थान पर है, हरा क्रेयोन चौथे स्थान पर, पांचवे स्थान पर गुलाबी क्रेयोन और छठे स्थान पर केसरी क्रेयोन है। इसलिए क्रेयोन्स का क्रम दर्शाने के लिए हम लाल क्रेयोन को पहला, नीले क्रेयोन को दूसरा, पीले क्रेयोन को तीसरा, हरे क्रेयोन को चौथा, गुलाबी क्रेयोन को पांचवा और केसरी क्रेयोन को छठा क्रम देंगे। यानी किसी वस्तुओं की गिनती करनी है तो 1, 2, 3 ऐसे बोलना है, और अगर किसी लाइन में वस्तुओं का स्थान या क्रम बताना है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रम सूचक संख्याएं बोलनी है। तो यहाँ पीला क्रेयोन 3रे स्थान यानी क्रम पर है और सबसे अंत में केसरी क्रेयोन है। बिल्कुल सही बबली। क्रम सूचक संख्या किसी भी वस्तु का सही स्थान या क्रम दर्शाती है। बनी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बच्चों, आज हमने वस्तुओं के स्थान को क्रम सूचक संख्याओं के द्वारा दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 के समूह में गिनती करना सीखेंगे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में पर्यावरण विषय में कैसे जानूं मैं, भाग 2। नमस्ते बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे पाठ 3 कैसे जानूं मैं का भाग 2। भाग 1 में हमने जाना था कैसे जानूं मैं में, जी हाँ, ज्ञान इंद्रियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, जीभ हमें स्वाद की पहचान कराती है, त्वचा हमें स्पर्श का ज्ञान देती है और नाक जो है उससे हम सूंघ सकते हैं। आज का जो पार्ट है यानी भाग 2, ये है माप या नाप के बारे में। तो चलिए इसे देखते हैं। बच्चों, इसे तो आप भली भांति जानते हैं। मम्मी जब सब्जी वाले से सब्जी लेती है तो सब्जी वाला एक पलड़े में बाट रखता है और एक पलड़े में सब्जी रखता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, इसे तराजू कहते हैं। और इसमें जो बाट रखे जाते हैं वो लोहे के होते हैं और अलग अलग भार के होते हैं। कोई 5 किलो का, 2 किलो का, 1 किलो का, और अगर 3 किलो बनाना है तो 2 किलो और 1 किलो का बाट रखता है। 1.5 किलो बनाना है तो 1 किलो का और 500 ग्राम का भार रखा जाता है, है ना। तो इस तरह से आज हम जो पढ़ रहे हैं नाप और माप के बारे में, देखते हैं सोनू और दादाजी इसके बारे में क्या बात करते हैं। दादाजी, आपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा, ये पाव क्या होता है? बेटा, पाव मतलब आधा किलो का भी आधा, यानी 250 ग्राम। यह वजन मापने की इकाई है। दादाजी, आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर दूरी का माप है। दूरी को पहले इंच, फीट, फरलांग में मापते थे, अब नई विधि के अनुसार दूरी को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापते हैं। दादाजी,
बच्चों, विभिन्न चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरणों को काम में लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बस और कार जब चलती है तो उसमें आगे एक स्पीडोमीटर लगा होता है, जिसमें एक सुई होती है जो हिलती रहती है। ये हमें बताती है कि बस या कार कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब दूध वाला दूध नापता है तो उसके पास एक अलग सा कप होता है। तो यानी दूध, तेल, पानी जो तरल पदार्थ हैं उनको नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कपड़े को मीटर में मापा जाता है। और जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी आपका माप जो है वो इंच टेप से लेता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरणों को काम में लेते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग उपकरणों से नापा जाता है। किसी वस्तु विषय की मात्रात्मक जानकारी के लिए हम माप की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष। दूरी के माप के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। और इसी तरह से तरल पदार्थ के लिए लीटर, और वज़न के माप के लिए ग्राम, किलोग्राम आदि। तो अब आप घड़ी में देख करके और समय पहचान पाएंगे कि हम किस तरह से टाइम देखते हैं, और ये भी जान पाएंगे कि हमें अगर कहीं जाना है तो हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर जा रहे हैं। और जब दूध वाला दूध देता है तब हम अच्छी तरह से देख पाएंगे कि वो पूरी तरह से नाप करके लीटर के द्वारा हमको दूध दे रहा है या नहीं। ठीक है ना बच्चों, करोगे ना आप इस तरह से अपनी मम्मी की मदद। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय में, लेट्स लर्न प्राणायाम। बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी योगासन किया है? हाँ, क्या आप इन एक्शंस को देखकर पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल सही। कैन यू नेम दीज योगासन्स? क्या आप इन योगासन के नाम बता सकते हैं? विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? इनमें से कौन सा योग आसन आप अपनी प्रार्थना सभा में करते हैं? What changes have you felt in your body after performing yogasans? योगासन करने के पश्चात आप अपने शरीर में क्या अंतर महसूस करते हैं? बिल्कुल सही, आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, हल्कापन महसूस करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आइए हम कुछ योगासन के नाम जानें। वेरी गुड, आप इसे पहचान पा रहे हैं? यस, दिस इज चक्रासन। दिस वन इज ऊर्ध्व सर्वांगासन। दिस बॉय इज परफॉर्मिंग हल आसन एंड दिस इज परफॉर्मिंग भुजंगासन। प्यारे बच्चों, आज नितिन और शिवम दो बच्चे कहाँ घूमने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वह जल्दी उठ गए। अर्ली का अर्थ यहाँ पर है जल्दी। अब वह जल्दी उठकर क्या करेंगे, आइए देखें। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। प्लेजेंट का अर्थ होता है सुहावना। वह सुबह बहुत ही सुहावनी थी। आपने कभी जल्दी सुबह उठे हैं? कैसा लगता है सुबह? ठंडी ठंडी हवा बहती है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं। हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दे का अर्थ वह दोनों कौन? नितिन और शिवम। कहाँ गए? प्रातःकाल भ्रमण के लिए पार्क में गए। अब पार्क में उन्होंने क्या देखा, आइए हम भी देखें। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। उन्होंने वहां अनेक लोगों को देखा।
सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। ट्रैक का अर्थ बच्चों दौड़ने का मार्ग होता है। पार्क के चारों तरफ एक ट्रैक बनाया हुआ था। कुछ लोग उस ट्रैक के चारों तरफ पार्क में दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग और बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। पार्क के मध्य में कुछ लोग बैठे हुए थे और डिफरेंट विभिन्न प्रकार की पोजेस मुद्राएं बना रहे थे। पोज का अर्थ है यहाँ पर मुद्रा। देखो ये बच्चे कैसे अलग अलग पोजेस में बैठे हुए हैं। देखेंगे क्या कर रहे हैं। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग। वंडर का अर्थ होता है जानने को उत्सुक। शिवम को जानने की उत्सुकता हुई कि ये लोग क्या कर रहे थे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम। क्यूरियोसिटी का अर्थ है जिज्ञासावश। जिज्ञासावश दोनों मित्र उनके पास गए। देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस। वहां पर एक योग शिक्षक थे जो कुछ निर्देश दे रहे थे। ही सेड माई डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास। उन्होंने कहा मेरे प्रिय मित्रों आइए प्राणायाम सीखें। आज की योग कक्षा में प्राणायाम सीखें। वॉट इज प्राणायाम somebody asked। प्राणायाम क्या होता है किसी ने पूछा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम श्वास का विस्तार एवं नियंत्रण है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीदिंग रेट। इसके अभ्यास से हम अपनी श्वसन दर को कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वसन दर को कम करने के अनेक फायदे हैं। इट स्लोस डाउन हार्ट रेट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। ये हमारे हृदय दर को कम करता है रक्त दाब को कम करता है और शरीर व मस्तिष्क को आराम पहुंचाता है। प्राणायाम इंक्रीजेस अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम हमारे जीवन की उम्मीद को बढ़ाता है। बच्चों एक्सटेंशन का अर्थ यहाँ विस्तार, रिड्यूस का अर्थ है यहाँ कम करना। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए प्राथमिकता के साथ प्रातःकाल। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे संध्या के समय भी कर सकते हैं लेकिन आपके अंतिम भोजन व प्राणायाम के मध्य 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। प्रेफरेबली का अर्थ है प्राथमिकता के साथ। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप After seeking permission from the yoga teacher, शिवम व नितिन ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और योग शिक्षक से अनुमति लेकर समूह के साथ जुड़ गए। The teacher started listing the steps of pranayam. शिक्षक ने प्राणायाम के चरणों को सूचीबद्ध किया। सीख का अर्थ यहाँ पर है मांगना। Step 1 Sit calmly on a mat and close your eyes. जिस तरह से ये बच्चा एक चटाई पर बैठा है शांति पूर्वक आप भी चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। calmly का अर्थ यहाँ पर है शांति पूर्वक। Step 2 Put left ankle on the right thigh. चरण 2 अपने बाएं टखने को दाएं जंघा पर रखें। Step 3 Now put right ankle on the left thigh. अपने दाहिने टखने को बाएं जंघा पर रखें। This posture is called Padmasan. ये मुद्रा क्या कहलाती है? पद्मासन। In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. शुरुआत में आपको थोड़ी सी कठिनाई
होगी। इस प्रकार की मुद्रा में बैठने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़े से अभ्यास से आप इसे सीख जाएंगे। स्लाइटली का अर्थ यहाँ पर है थोड़ा सा। स्टेप फोर, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अपने दाहिने नासिका छिद्र को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाएं और धीरे से अपने बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ऐसा तब तक करें जब तक आपके फेफड़े भर ना जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहते हैं। स्टेप फाइव, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। चरण पांच, 5 से 10 सेकेंड के लिए या जब तक आप आराम से इसे कर सकते हैं तब तक अपनी श्वास रोकें। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। अपनी श्वास को रोकने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। कंफर्टेबली का अर्थ यहां पर है आराम से। स्टेप सिक्स, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। अब अंगूठे को छोड़ दें और अपनी अनामिका से बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। फिर अपने दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। श्वास छोड़ने की इस प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। स्टेप सेवन, नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। चरण सात, अपने दाहिने नासिका छिद्र से सांस अंदर लें। स्टेप एट, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। चरण आठ, अपनी श्वास फिर से रोकें। स्टेप नाइन, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विद थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अपने दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से दबाएं और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। स्टेप टेन, यू मे स्टार्ट विथ 5 rounds एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 rounds। चरण 10, आप शुरुआत में 5 बार कर सकते हैं और इसे 15 से 20 बार तक बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको प्राणायाम के ये चरण समझ आए होंगे। वह आशा करते हैं कि आप भी इन चरणों को ध्यान से देखकर प्राणायाम करने का अभ्यास करेंगे। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। उन्होंने योग शिक्षक को धन्यवाद दिया और निर्णय लिया कि वह पार्क में आएंगे व योग कक्षा में प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार शिवम और नितिन ने प्राणायाम सीखा, उसी प्रकार आप भी प्राणायाम सीखें व उन्हीं की तरह निर्णय लें कि प्रतिदिन आप भी सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करेंगे। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षिका श्रीमती डॉक्टर रश्मि गोगर जी व श्रीमती डॉक्टर जयश्री माथुर जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है।